नमस्कार, पब्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज सहारनपुर पब्लिकेशन की टीम नागल के धर्मगुरुओं से मिली तथा लॉकडाउन को लेकर और उसके बढ़ने को लेकर उनके विचारों को सुना। चैनल के माध्यम से हम आप लोग तक भेज रहे हैं ये संदेश कि क्या कहा धर्मगुरुओं ने। हमारे संवाददाता हेमंत अरोड़ा, संवाददाता विकास गिरधर, मंडल प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ओलन की खास रिपोर्ट। और अब हम नागल क्षेत्र के एक मस्जिद में आए हैं। मस्जिद का नाम है कदीम जामा मस्जिद नागल। यहाँ पर भी हम देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों पर हैं लोग बाग या मस्जिद में आए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि आप कि नमाज के जो टाइम है, एक बोर्ड लगा हुआ है, एक सूचना बोर्ड है किस समय कौन सी नमाज होती है, अंग्रेजी तारीख क्या है और तारीख चांद क्या है। और ये आप देख सकते हैं जो इस्लामिक क्रिया विधि है, जल से अपने आप को शुद्ध करना और उसके बाद नमाज को पढ़ना। ये देख सकते हैं आप, मस्जिद खाली है। हमारे बीच में मस्जिद के मौलवी जी हैं, इनसे बात करेंगे, पता करेंगे कि क्या यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कोई आ रहा है या घरों पर ही है। और हमारे बीच जो मौलवी जी हैं, तासीन जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते जो पहले नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती थी, क्या अब भी नमाज मस्जिद में पढ़ी जा रही है या लोगों को घर रहने के लिए कहा गया है? सबसे पहले तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उसी दिन ऐलान कर दिया गया था कि भाई लॉकडाउन का पूरा पालन करें, और उसी दिन से बाकायदा लोग घरों में अपने नमाज कर रहे हैं। और जुमे में भी आज 3 ही आदमी थे, इमाम और 2 मुक्तदी। तो जो 2-3 आदमी थे वो सोशल दूरी बनाकर बैठे थे? जी, सोशल दूरी पर कम से कम 1.5-2 फीट की दूरी बनाए हुए बैठे थे। अच्छा, क्या जैसे लॉकडाउन चल रहा है, 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार अभी सभी राज्यों से और सभी लोगों से सलाह मशवरा कर रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए? देखो जी, हम तो सरकार के साथ में हैं, जैसा सरकार का आदेश होगा उसी हिसाब से चलेंगे। अगर लॉकडाउन बढ़ेगा जब और ख़त्म हो जाएगा तब, जैसा भी सरकार का आदेश होगा उसके हिसाब से इंशाल्लाह काम चलता रहेगा। अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म कर दे, बस सबसे बड़ी बात है ये। लोग बहुत परेशान हैं सर, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि हम सारे जितने भी यहाँ सब के सब मजदूर आदमी हैं, सुबह ही महाराज मिस्त्री का काम करने वाले हैं, वो सारे के सारे घर में पड़े हैं। जी देखिए, परेशानी तो है ही। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर के लिए बोला गया है कि अपने घर पर नमाज अदा कीजिए। लॉकडाउन का ये लोग समर्थन कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला से एक ही इल्तिजा है कि ये लॉकडाउन समाप्त हो, लेकिन तब जब कोरोना वायरस जैसी महामारी खत्म हो। हम पहुंचे हैं गुरुद्वारा साहिब नागल में। यहाँ के जो धर्मगुरु हैं बाबा गुलजार जी, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए लेकर चलते हैं आपको गुरुद्वारे के अंदर। आप देख सकते हैं कि हम लोग अंदर आ चुके हैं गुरुद्वारे कक्ष के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पाठी हैं बाबा जी गुलजार जी, उनसे हम बात करेंगे। धर्म गुरु हैं हम लोगों के कि क्या लॉकडाउन के रहते यहाँ पर संगत आ रही है या नहीं आ रही। बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी इत्थे सवेरे संगत आ रही है नहीं आ रही है, तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो की तुहाडे नाल की इंट्रक्शन हैगी है संगतां नाल? संगत नूं समझा रखिया कि आप अपने घर के अंदर बैठ के पाठ पूजा करो, गुरुद्वारे में आने की जरूरत नहीं है। पर संगत भी बहुत कम आ रही है, और यही इन्हां नूं कहा गया कि इस वे राष्ट्र का भला तो अपना भी भला। ते अगे लॉकडाउन जो हैगा है 14 अप्रैल का हैगा है, बंद ते खुलने की अवधि हैगी है, ते साडे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उन्हां दी अपील थी कि 14 अप्रैल नूं चलना है लॉकडाउन, तो अगे लॉकडाउन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तुहाडा की कहना है? मेरा कहना तो यह कि बढ़ना चाहिए, राष्ट्र हित लई बढ़ना चाहिए, जनता बाद च राष्ट्र पहला। ते कोरोना वायरस ते चलते लॉकडाउन ते चलते सभी लोग अपने घर है गया, तो आप की कहना चाहेंगे कि लोग कर रहे हैं सामाजिक दूरी बना के रखें? हाँ जी हाँ, सामाजिक दूरी जरूरी है और घर अंदर रहना भी जरूरी है। लॉकडाउन का यो ही फायदा, असली राष्ट्र सेवा यही सेवा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे धर्मगुरु अपील कर रहे हैं हमारे भक्तों से, हमारे श्रद्धालुओं से, कि
आप लोग अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। आर्य समाज पर पहले लगातार हवन हो रहा था और संख्या में सुबह ही यज्ञकर्ता आ जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि सभी धर्म गुरुओं से अपील है कि सभी को हवन या संध्या अपने अपने घर करनी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक समीधा का कक्ष बना हुआ है और आप देखिए हवन है, सुबह आचार्य जी अकेले ही हवन करते हैं, सभी को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अपने अपने घर रहें। ये यहाँ पर ये पाकशाला है आर्य समाज बढ़ेड़ी नागल की। आर्य समाज के 10 नियम आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन विकास जी से कि वो दिखाएंगे। बहुत ही क्रांतिकारी संगठन के रूप में जो बहुत ही अच्छी दिशा निर्देश सभी समस्त भारतवासियों को आप देख सकते हैं, कक्ष है यहाँ पर भी। हमारे बीच में स्वामी जी हैं, मैं चाहूँगा दिखाइए आर्य समाज का कक्ष, बड़ा ही शालीन है। और हमारे बीच में हमारे स्वामी जी हैं आचार्य करमवीर जी, दशनाचार्य, बहुत ही बड़े विद्वान आर्य समाज के। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आपका कुछ समय चाहूँगा आज। मैं स्वामी जी जानना चाहूँगा, आप चाहें तो मास्क उतार सकते हैं आवाज़ के लिए कि ठीक से आ जाए। मैं जानना चाहूँगा कि अब जैसे सुबह पहले हवन होता था और अब जो हवन हो रहा है उसमें लोग बाग आ रहे हैं या आपने क्या कहा हुआ है? मैं अभी आपको ये बताना चाहूँ कि अपने यहाँ आर्य समाज के अंदर प्रतिदिन दैनिक यज्ञ होता है जी। दैनिक यज्ञ में अभी तक जो संख्या होती थी वो लगभग 10 से 12 लोग आते थे प्रतिदिन, और जो अपना साप्ताहिक यज्ञ होता है वो रविवार के दिन होता है। साप्ताहिक यज्ञ सत्संग के अंदर 25-30 तक भी संख्या चली जाती है, लेकिन अभी एक ये बहुत ही विश्वव्यापी एक आपदा जिसने पूरे संसार के अंदर सबको भयभीत किया हुआ है, ये कोरोना नामक वायरस फैला हुआ है, तो हमने सभी लोगों से ये अनुरोध किया हुआ है कि इस समय में सब लोग अपने घर पर ही यज्ञ संध्या आदि करें, इसलिए अधिक लोग अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाते, बस सामान्य से कोई एक दो व्यक्ति यहाँ पर यज्ञ करते रहते हैं। तो जो एक या दो व्यक्ति आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग से बैठते हैं? हाँ, हमारे यहाँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो आते भी हैं 2-3 हो जाते हैं तो कम से कम तीन फीट की दूरी बना करके वो लोग सब यहाँ पर बैठते हैं, और इसी प्रकार से आते समय वो भी ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे में दूरी बना करके रखें जी। तो स्वामी जी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से भयभीत किया हुआ है, कुछ लोगों को इसकी जानकारी है अच्छे से, वो लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो आर्य समाज की तरफ से क्या, मैं क्या चाहूँगा कोरोना वायरस के लिए क्या जागरूकता करेंगे आप? हाँ, इसमें आर्य समाज का कि सभी लोगों के लिए अनुरोध है, अपील है, सभी लोगों के लिए आह्वान है कि जिनको नहीं भी पता वो भी अधिक से अधिक इस समस्या के लिए जो अपने पुलिस कर्मी हैं या जो सोशल वर्कर जो लोग हैं वे बता रहे हैं उनके नियमों का पालन करें। इस समस्या को बिल्कुल भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, और हमारे पूरे देश के जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, प्रशासन विभाग हैं और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं, उनकी बात को अच्छी प्रकार से सुने, राष्ट्र को समर्पित होकर के कोई भी इस प्रकार की आपदा आती है तो उसको दूर करने के लिए सदा तन मन धन से सहयोग दे करके इन राष्ट्रीय आपदाओं का हम सब लोग सामना करेंगे। और मैं आर्य समाज को यही आह्वान करता हूँ कि आज हम सब लोगों की परीक्षा की घड़ी है, इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के जो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सब जीवों की रक्षा के लिए, पूरे इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए, पूरे संसार की रक्षा के लिए ये आदेश दिए हैं, हम सब लोगों का देशवासियों कर्तव्य बनता है कि हम उनका यथावत पालन करें। धन्यवाद स्वामी जी। तो आप देख सकते हैं कि आर्य समाज किस तरीके से अपनी भागीदारीता कर रहा है। सुबह यदि यहाँ पर हवन होता है तो कम से कम 2 लोग इसलिए भी होते हैं क्योंकि एक यजमान और एक ब्रह्मा 2 चीज़ों से ही होता है, एक मंत्रोच्चारण करते हैं तो दूसरे धृत से और सामग्री से आहुति देते हैं, और अगर है भी तो एक सामाजिक दूरी बनाकर। स्वामी जी ने कहा है कि पहले राष्ट्र है, ठीक है परेशानी है, लेकिन सारी चीज़ें राष्ट्र को समर्पित हैं, राष्ट्र रहेगा तो हम लोग रहेंगे तो भारत बचा रहेगा। और अभी हम नागल क्षेत्र के एक प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर भी देखना चाहेंगे जो हमारे धर्म गुरु हैं श्री कुमार शास्त्री जी हैं इस मंदिर के पुजारी,
उनसे पता करना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं भूमिया खेड़ा, बहुत ही मान्यता है यहाँ पर लोग बाग। ये हमारा पीपल का पेड़ है, धागा बांधने आते हैं और अपनी मन्नत को मांगते हैं। ये राम लक्ष्मण और मैया सीता माँ का मंदिर है, ताला लगा हुआ है क्योंकि जो भक्त जन हैं वो कम हैं या ना के बराबर हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। हनुमान मंदिर जी, और सबको आशीर्वाद मिले हनुमान जी की ओर से कि कोरोना वायरस जैसी महामारी इस भारत देश से विदा हो। शिव मंदिर आप देख सकते हैं, शिवलिंग है। और मैं अब बात करेंगे हम लोग हमारे जो शास्त्री जी हैं, शिव कुमार शास्त्री जी, हम हमारे जो पुजारी जी हैं शिव कुमार शास्त्री जी, इनके पास आए हैं। इनका कक्ष है, आप देख सकते हैं। पुजारी जी नमस्कार। राजी, हम लोग जानना चाहेंगे, पब्लिक एशिया टीम जानना चाहेगी कि लॉकडाउन के चलते भक्तजन मंदिर में आ रहे हैं या उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लॉकडाउन के चलते हुए सभी भक्तों को ये निर्देश दिया गया है कि वर्तमान समय में जो मंदिर के नियम होते हैं, जो मंदिर का कानून है, मंदिर का कानून भी राजकीय कानून के अंतर्गत आता है, तो उसी के अंतर्गत जो है, चूंकि हमारी स्वयं की जिम्मेदारी, हमारा तो निश्चित कर्तव्य है कि हम सुबह शाम मंदिर में, चूंकि देव प्रतिमाएं स्थापित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी पूजा उपासना, उनको भोग आदि का कार्य, ये तो हमारा कर्तव्य है जो हमें नियमित रूप से करना है। बाकी जो भक्तजन, क्योंकि जो भक्तजन है, भक्तजनों के लिए हमने स्वयं भी ये निर्देश दिया है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि एक सोशल डिस्टेंस बना करके हमें अपने सारे कर्म करने चाहिए। यदि कोई इस समय मंदिर में कोई आता भी है तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि आप केवल बाहर से ही मत्था टेक करके, प्रार्थना करके आप चले जाएं, और जो भी आपको पूजा पाठ अपना करना है, भगवान से जो प्रार्थना करनी है, तो वो आप अपने घर पर करें। शास्त्री जी, आगे जैसे लॉकडाउन की 14 तारीख है, समाप्त होने की तिथि है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर सभी में विचार विमर्श चल रहा है, तो क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से? ये अगर देखा जाए तो वास्तव में जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है कि ये महामारी केवल एक भारतवर्ष की ही नहीं, समय पूरे विश्व की ही एक बड़ी भारी समस्या बन चुकी है, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में भारत में इस बीमारी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है वर्तमान में। तो अगर हम सभी व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस महामारी से यदि हम लड़ने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, और लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता भी है तो ये हमारे स्वयं के हित के लिए है, देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए है, तो इसमें हम सबको अपना सहयोग पूर्ण रूप से देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आज पब्लिक एशिया की टीम ने कवरेज किया नागल के सभी धर्म गुरुओं को, और सभी धर्म गुरुओं की एक ही अपील रही कि लॉकडाउन बढ़े राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन दिया है उनको पूर्णतः समर्थन है। ऐसे प्रधानमंत्री विरला ही देश को मिलते हैं, और जैसे लॉकडाउन पर काफी नियंत्रण है, और प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता भी है तो हम सब लोग उसको समर्थन देंगे। पब्लिक एशिया टीम से वीरेंद्र चौधरी, विकास गिरधर के साथ हेमंत अरोड़ा। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।